पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया पर एक मुद्दा छाया हुआ है। रोहित वेमुला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक छात्र जिसकी मौत पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकी। रोहित वेमुला की मौत के बाद राहुल गांधी से केजरीवाल और ना जाने सभी पार्टियों के कितने नेताओं ने हैदराबाद में हाजिरी लगाई। आज भी रोहित वेमुला की मौत पर हुई राजनीति उफान पे चढ़ी हुई दिखाई, जब कुछ छात्रों ने रोहित वेमुला की मौत के विरोध में आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नजारा तो आप सभी ने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, पर आपने एक चीज नहीं दिखी होगी, या यूं कहें कि मीडिया ने आपको नहीं दिखाई होगी। ये नजारा हम आपको दिखाएंगे। आज मीडिया ने आपको पुलिस का वो चेहरा दिखाया होगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, पर आप ये तो मानते होंगे कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब तक आपने वो देखा जो मीडिया आपको दिखाना चाहती थी। आपने पुलिस का बहुत ही क्रूर चेहरा देखा, पर अब हम आपको बताएंगे कि इसके पहले का सच क्या था। ये जो वीडियो मोदी को दिखा अपना साला भूल गया, अल्लाह 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 बोली करेगा तुम्हारी बच्चे। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज हमने एक कोशिश की कि वो दोनों पहलू आपके सामने रखा जाए। एक सच जो मीडिया ने आपको बताया, दूसरा सच जो हम आपको बता रहे हैं। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बहुत लड़ाइयां लड़ी गई हैं। आखिर ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आपको अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करने की छूट देता है। इस वीडियो के जरिए हम किसी को भी सही या गलत ठहराना नहीं चाहते, पर यह जरूरी है कि आपके सामने दोनों ही पहलू रखे जाएं। अब आप ही बताइए, पुलिस अपनी कार्रवाई में क्या गलत थी? हम ये जानते हैं कि मीडिया आप तक ये सच नहीं पहुंचने देगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें, ताकि आपकी आवाज जनता की आवाज बन सके। धन्यवाद।